नमस्कार जोहार सत श्री अकाल, मैं हूं जयशंकर प्रसाद वर्मा और आप सभी देख रहे हैं मांबे न्यूज। इस समय मिथिलांचल की भूमि मधुबनी में वो और मधुबनी जंक्शन है, काफ़ी खूबसूरत है, पूरे विश्व में ये विख्यात है पेंटिंग। और इस समय हमारे साथ इससे जुड़ चुके हैं सज्जन, हम इनसे ही जानेंगे। मिथिलांचल की धरती से मधुबनी में आपका स्वागत है। कल रामलला की मूर्ति का उद्घाटन है और प्राण प्रतिष्ठा कल हो ही जाएगा हर हाल में, आप कितना प्रसन्न है? हम बहुत प्रसन्न हैं और योगी और मोदी से प्रसन्न हैं और ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये हम सबको पूरा खुशी है। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन ये तो लोकतांत्रिक कंट्री है ना? देखिए लोकतांत्रिक कंट्री है, अगर ये इस तरह से करते रहेगा तो यह धरती पर बहुत ज़्यादा हिंसा और क्या कहते हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यह धरती को बचाने वाला है तो हिंदू है और हिंदुस्तान रहना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कल्पना नहीं की जा सकती है, क्या कहेंगे अपने शब्दों में, बहुत सालों के बाद ये मौका मिला है जी। तो सर खुश है आप? बहुत खुश है। जोर से बोलिए जय श्री राम। सत श्री अकाल भी। सत श्री अकाल। और बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है, क्या कहेंगे? अगर मौका मिला तो जाएंगे अयोध्या? मौका तो नहीं मिला है लेकिन 22 तारीख के बाद तो जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। कहाँ से आ रहे आप? रामलला मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, क्या सकते हैं। रामलला मंदिर का उद्घाटन क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोगों के लिए मतलब हिंदुस्तान के लिए जी, मतलब ये 500 साल का जोर से बोलिए ये सब जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत नजारा राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से रिश्ता रहा है मिथिलांचल से उनका, माता जानकी का, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है ना, मिथिलांचल से रिश्ता रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जोर से बोलो। बहुत अच्छा। जोर। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सालों के बाद ये मौका मिला है। जय श्री राम। अगर मौका मिला अयोध्या जाने का जाओगे? जरूर जाएंगे।